कोई भी नहीं आया, हमारा कोई भी नहीं होता है, दुकानदारों का एक भगवान होता है, टैक्स देने के लिए हम तैयार होते हैं। रिक्शे वालों को वहाँ आके इन्होंने लगाया, चौक को जाम कराया, एमसीडी वाले इन्होंने से पैसा लेके दुकान लगवाते हैं, फिर यही तोड़वाते हैं। एक भी एमसीडी वाला सच्चा बंदा नहीं मिलेगा, सारे पैसे खाते हैं। कोई नोटिस दिया था आप लोग? कोई नोटिस नहीं दिया, कोई नोटिस नहीं। अचानक से आकर तोड़ दिया? अचानक से, हमारा खुद नहीं पता था, हमारे आगे जेसीबी लगा दी और कहते हैं कि ये तोड़ना है ऊपर का भी नीचे का। लेकिन ये नहीं है कि आज छुट्टी वाले दिन आपने बिना किसी नोटिस के, आपने बिना किसी नोटिस पे दुकानदारों पे गलत किया। कुछ तो बताया होगा कि आगे से बात नहीं कर रहे किसी से, बात तो करें। कोई अधिकारी आया था साथ में? कोई सुन के राजी है? कोई भी सुन के राजी नहीं, कोई सुन के राजी नहीं है। बस इनका हथौड़ा चल रहा है, जहाँ पे हथौड़ा मार रहे चला रहे। बस 3 फुट की एमसीडी ने खुद परमिशन दिया कि 3 फुट आप छज्जा लगा सकते हो। एमसीडी खुद तोड़ रही, बिना बातें सिर्फ यही मार्केट तोड़ रही है। चौक में एक दुकान ही तोड़ते हैं, क्योंकि इनके वहाँ बाप बैठे हैं। एक तो वो बेचारे कैसे अपनी घर रोटी चलाते हैं, उसके बाद आप पुलिस बूथ के बाहर स्टॉल लगाते हो, इसका मतलब आप पैसे देते हो। अगर ये कह रहे तोड़ के गए तो सारे तोड़ो, चौक क्यों नहीं तोड़ते, मुझे समझ नहीं आती। चौक इनके बाहर बैठे जाए आपके, वहाँ तो 15-15 फुट बढ़ा रखी है, वहाँ एक भी तोड़ेंगे नहीं। इनको कब तोड़ के दिखा दिया हमसे लोगों, इनको पैसा खाते हैं, सब पैसा खाते हैं। अब यहाँ पर तोड़ के चले गए, चौक नहीं तोड़ेंगे, ये दिखना आपके सामने पैसे खाए हुए इन्होंने। दिल्ली के चप्पे चप्पे की खबरों पर हम रखते हैं पहली नजर, तो अब यही खबरें आप देख सकते हैं हमारी ऐप पर। तो फिर देर किस बात की है, तुरंत जाइए प्ले स्टोर पर और जाके डाउनलोड कीजिए तेज तरार ऐप को। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मेरा नाम है आफरीन खान। इस वक्त मैं दिल्ली के तिलक नगर इलाके में मौजूद हूं। आपको बता दें कि हाल ही में यहां पर एमसीडी का जो बुलडोजर है वो चला है, इसके लिए तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं। एक बार उनसे बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ हुआ था, क्या नाम है आप? साहिल नाम है मेरा। क्या कुछ हुआ अभी यहां पर? ये हमारी जो है जेसीबी लगा के तोड़ दी है ऊपर और नीचे, जो हमारा जो ये भी तोड़ दिया सारा नीचे। कोई नोटिस दिया था आप लोग? कोई नोटिस नहीं दिया, कोई नोटिस नहीं। अचानक से आकर तोड़ दिया? अचानक से, हमारा खुद नहीं पता था, हमारे आगे जेसीबी लगा दी और कहते हैं कि ये तोड़ना है ऊपर का भी नीचे का भी। क्या चक्कर है कुछ नहीं बताया कि किस लिए तोड़ना है। अगर एम्बुलेंस का भी चक्कर होता तो इसमें ऊपर का क्या रोल है ये बताइए ना। या तो हमारे को नोटिस देते हैं कि आप कल तक एम्बुलेंस यहाँ से निकलती है, इसी वजह से हमने तोड़ा है। ऊपर की बॉडी को तोड़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। और जबकि सबसे मेन रीजन यही है कि आपको जो है सड़क चौड़ी करनी है तो फिर ये छोटी मोटी साइडों में लगती है, इनको सड़क चौड़ी करो। पहले बताया था कि अवैध तरीके से आगे, नो नोटिस कोई नहीं है अभी तो, और भी कह रहा है कल फिर आएंगे। कितना हिस्सा तोड़ेंगे कुछ जानकारी दी है? जानकारी नहीं है अभी। आपकी भी दुकान टूटी है? ओ ये सब मेरी ऊपर दुकान है, ये नीचे भाई की दुकान है। तो कितना हिस्सा तोड़ा है कुछ नाप कर ले गए कुछ ऐसा बता कर? ये तो उन्होंने जेसीबी लगा दिया, जो 46 इंच की जगह छोड़ने के बाद, उसके बाद जो है आगे तो 46 इंच कैसे छोड़ दें हम, 46 इंच को मतलब ही नहीं बता, 1.5 फुट की तो वैसे ही आगे होता है जगह पे। जितना हिस्सा भी नजर आ रहा है इतना ही तोड़ा है अभी, ये तोड़ा आएगा आगे पता नहीं क्या क्या तोड़ेंगे, अभी तो कुछ पता नहीं है। ऊपर जो पूरा बोर्ड है वो अभी तोड़ चुके हैं, डेट कर दिया इसको, तो अब ये बोर्ड भी लेके चले गए, बोर्ड भी नहीं छोड़ के गए। कितने बजे आए थे ये? अभी मात्र 12:30 बजे टाइम पाए थे, 12:30-1 बजे के आसपास आए, 2 बजे शुरुआत। जबकि 3 फुट अलाउड है सरकार की तरफ से, 3 फुट अलाउड है, इन्होंने इनके पास कोई वो नहीं है कि कितना फुट छोड़ना है कितना फुट नहीं छोड़ना, इनका जहाँ पे हथौड़ा चल रहा है मार देते हैं बस, इनका ये रीजन। कुछ तो बताया होगा कि आगे से बात नहीं कर रहे किसी से, बात तो करें। कोई अधिकारी आया था साथ में? कोई सुन के राजी है? कोई भी सुन के राजी नहीं, कोई सुन के राजी नहीं है। बस इनका हथौड़ा चल रहा है, जहाँ पे हथौड़ा मार रहे चला रहे बस, अब चाहे वो पूरा गिर जाए चाहे। अच्छा, अभी वो देखिए उस साइड भी अभी जो बुलडोजर है वो यहाँ पर चल रहा है, एक बार उस तरफ लेकर चलते हैं, आपको उस तरफ की तस्वीरें दिखाएंगे। इसके साथ साथ आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि तमाम दुकानों को यहाँ पर तोड़ दिया गया है। आप ये देखिए, ये हिस्से यहाँ पर आपको नजर आएंगे कि किस तरीके से तमाम दुकानों को तोड़ दिया गया है, और ये दुकानदार फिलहाल इस बात को समझने में ही लगे हैं कि इनकी दुकानों को क्यों तोड़ा गया है, क्योंकि यहाँ पर मौजूद तमाम लोगों का ये कहना था कि इनमें से किसी को भी कोई भी नोटिस नहीं दिया गया था। आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, सबसे पहले आप उस साइड चलिए, उधर दिखाएंगे अभी भी जो बुलडोजर एक्शन है वो वहाँ पर देखने को मिल रहा है, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा उस तरफ की तस्वीरें दिखाइए जगजीत, एक बार कैमरा उस तरफ लेकर चलिए, आप देखिए उस तरफ कि किस तरीके से एमसीडी का जो बुलडोजर है वो वहां पर चलता हुआ नजर आ रहा है, तमाम लोग इसको लेकर यहां पर हमें खड़े हुए नजर आ रहे हैं। एक बार इन लोगों से भी जुड़ने की कोशिश करेंगे। ये कोई भी प्रशासन कर रहा है, चाहे वो आम आदमी पार्टी कर रही है या बीजेपी कर रही है, ये बहुत गलत हो रहा है। हम दुकानदार भाइयों के साथ, ये चीज़ें गलत हैं, या इनको पहले बोल देना चाहिए कि आप ये चीज़ें हटाओ, वो अपने आप हटाएंगे। आप ये बताओ कि क्या चीज़ गलत है, हमारी सीमित कहाँ तक है, हम उसको ठीक करते। लेकिन ये नहीं है कि आज छुट्टी वाले दिन आपने बिना किसी नोटिस के, आपने बिना किसी नोटिस पे दुकानदारों पे गलत किया।
अच्छा, छुट्टी तो आप में से कोई आया भी नहीं था, आपको सीधे किसी ने तोड़ चुके हैं बिना बताए, ना कोई नोटिस दिया है। तीन फुट की एमसीडी ने खुद परमिशन दिया कि तीन फुट आप छज्जा लगा सकते हो। एमसीडी खुद तोड़ रही है बिना बताए, सिर्फ यही मार्केट तोड़ रही है। चौक में एक दुकान ही तोड़ रहे, क्योंकि इनके वहाँ बाप बैठे हैं, वहाँ तोड़ो फटे, वहाँ से हमसे ज्यादा बड़े बड़े हैं, 15 फुट लगे, वहाँ कोई तोड़ता। सुनने में मिला है कि एम्बुलेंस को रास्ता नहीं मिल रहा था, इसलिए मैडम सारा मेन चौक आप कभी आ जाओ, आपके चौक में आप कल आके देखो कि कितना बड़ा चौक में होता है, वहाँ दुकान का छज्जा भी महीना लेती है चौक से। आप ये देखिए तिलक नगर में 5 लाख रुपए महीना एमसीडी को मिलता है चौक से, नहीं मिलता। कैसे पता? हमें पता, पार्किंग गैर कानूनी है, पूरा तय बाजारी लगती है, पटरी लगती है, बैटरी रिक्शे हैं। आप ये देखिए यहाँ के निगम पार्षद से कोई पता परसों बोल के गए हैं। आप ये देखिए 5 बुलडोजर भेज दिया उन्होंने। आप ये देखिए जो पुलिस बूथ है, जो तिलक नगर का पुलिस बूथ है, उसके वहाँ भी पटरियाँ लगती हैं। इसका मतलब पुलिस बूथ इसमें पुलिस इन्वॉल्व है। आप पुलिस बूथ के बाहर पटरी लगा सकते हो, इसका मतलब आप पैसे लेते हो। आप इनके साथ, एक तो वो बेचारे कैसे अपनी घर रोटी चलाते हैं, उसके बाद आप पुलिस बूथ के बाहर स्टॉल लगाते हो, इसका मतलब आप पैसे देते हो। नहीं तो ऐसे कोई नहीं लगा सकता किसी के घर के बाहर, किसी की दुकान के बाहर। और पुलिस बूथ के बाहर दुकानें लगी हुई हैं, पुलिस बूथ के बाहर दुकानें लगी हुई हैं, इसका मतलब कि ये पुलिस मिली हुई है। और ये हमें नहीं पता कौन सी राजनीति चल रही है, आम आदमी पार्टी की चल रही है, बीजेपी की चल रही है, हमें किसी पार्टी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। लेकिन ये जो हो रहा है गलत हो रहा है, आप हमें पहले बोलते, हम इस चीज़ को ठीक करते। अगर हम ना ठीक करते तो फिर आपका तोड़ना राइट था, ठीक है जी। लेकिन बिना बताए तोड़ दिया, ये गलत है। बिना बताए तोड़े, और वो भी छुट्टी वाले दिन, दुकानदार अपना माल लेने के। पूरी परमिशन है हमारे पास, पूरा ये गोर ये अलाउड दुकानें हुई थी, वो नक्शा है दिखाया, बिना तोड़ के बिना पीछे तोड़ गए हैं। अगर ये कह रहे तोड़ के गए तो सारे तोड़ो, चौक क्यों नहीं तोड़ते, मुझे समझ नहीं आती। चौक इनके बाहर बैठे जाए आपके, वहाँ तो 15-15 फुट बढ़ा कर रखी है, वहाँ एक भी तोड़ेंगे नहीं। इनको कब तोड़ के दिखा दिया एमसीडी वालों को, इनको पैसा गाते हैं, सब पैसा गाते हैं, अपनी मनमानी कर रही है, तोड़ रही है, किसी को कोई इनको परमिशन नहीं है। दिखाओ, हम इनको परमिशन दिखाते हैं, 3 फुट हमारे पास अलाउड है, परमिशन दिखाई भी नहीं है, तब भी तोड़ी जा रही है। परमिशन दिखा दी है लेकिन एमसीडी के अफसर नहीं मान रहे, हमें ऊपर से निगम पार्षद ने बोला जी, क्लियर बोल रहे हैं। परसों निगम पार्षद मार्केट में हो गए, अशोक मालू जी है और उनकी नजर लाज में ही हो रहा है ये काम। अच्छा, आपने पूछा नहीं 3 फुट तो खुद अलाउ करा, फिर तोड़ क्यों? सबको पता है पूरी दिल्ली में 3 फुट अलाउड है, आपने पूछा नहीं तोड़ क्यों? आज की तो नहीं है, बिना बताए तोड़ के पीछे दुकान तोड़ के, बिना बताए। अब छुट्टी होती है बुधवार दिन, सबको पता मार्केट बंद होती है, किसी को पता ही नहीं है कि आप दुकान कहाँ फूट रहा है, तोड़ के चले गए। कल आएंगे, टूटी हुई दुकानें देखेंगे सारे, वो बोलेंगे अभी कई कई बंदे आए नहीं इकट्ठे यहाँ पर हुए, दुकानदार कोई भी नहीं आया हुआ, सब अपने घर पे है, बिना पूछे ये काम हो गया। दुकानदार आप घर पे, छुट्टी है, कोई नोटिस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। यहाँ से कहाँ तक तोड़ेंगे कोई जानकारी है? मतलब ये यहाँ से यहाँ थोड़ा चौक पूरा छोड़ दिया, जहाँ से इनको पैदा है मोटी, चौक जाके देख लो, जहाँ से मोटी पैदा है तोड़ेंगे, यहाँ पर जाके तोड़ेंगे भैया। हम कहते तोड़ते हो तोड़ो, 15 फुट वहाँ जाके तोड़ो, अगर आप तोड़ दिखा सकते हो तो मैं तब मानूंगा आप एमसीडी का अफसर हो, नहीं तो आपके बाप बैठे वहाँ, इसलिए वहाँ भी तोड़वाते वहाँ पर। आप ये देखो कि सबसे पहले तिलक नगर एंट्री करते ही ई रिक्शा का क्या हाल है, आप पहले उसको ठीक करो। प्रशासन जो भी है, जो भी पार्टी है हमारा, उससे कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, चाहे वो बीजेपी है, चाहे कांग्रेस है। पहले आप उस प्रशासन को देखो, आप निगम यहाँ ई रिक्शा का क्या हाल है, आप उसको ठीक करो। ये व्यवस्था वैसी ठीक थी, ये सिर्फ दुकानदारों को तंग किया जा रहा है, और कोई दुकान तंग किया जा रहा है, तंग इसलिए किया जा रहा है कि हो सकता है कि ये लोग तो बाहर है नहीं, अब ये बाहर होते तो कहते जी हमें पैसे दो। अब कौन क्या करा हमें इस चीज़ का नहीं पता, और बुधवार इन दुकानदार भाइयों को तंग किया जा रहा है। मैं इन दुकानदार भाइयों के साथ हूं, और मैं पहले यहां दुकानदार हूं, उसके बाद एक बिल्डर हूं, पहले मैं एक दुकानदार हूं, अगर मैं भी कोई गलत साइड बनाता हूं तो मेरी भी तोड़ी जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्यारा सिंह। इस तरीके से जो बुलडोजर यहां पर चलाया जा रहा है, लोगों ने बताया कि उन्हें कोई नोटिस भी नहीं दिया गया। मैडम जी कोई नोटिस नहीं दिया गया, आज बुधवार है, मार्केट बंद है, चोर ओवर का आगे तोड़ दिया है। हमारा जो निगम पार्षद है वो आया नहीं है, जर्नल जी को फोन किया नहीं आया, बिट्टू जी को फोन किया नहीं आया, कोई भी नहीं आया, हमारा कोई भी नहीं होता है। दुकानदारों को एक भगवान होता है, टैक्स देने के लिए हम तैयार होते हैं, रिक्शे वालों को वहाँ के इन्होंने लगाया, चौक को जाम कराया, एमसीडी वाले इन्होंने पैसा लेके दुकान लगवाते हैं, फिर यही तोड़वाते हैं। एक भी एमसीडी वाला सच्चा बंदा नहीं मिलेगा, सारे पैसे खाते हैं। मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ, चाहे इससे पहले भी था, आज भी 30 साल से देख रहा हूँ, जब हमें दुकानदारों को पीछे करवाते हैं तो ये पैसे लेके उनको आगे लगवाते हैं। आज हम करोड़बाग में, हम वहाँ काम करते हैं, फोन आया और हम आ गए, ये देख लो सारा तोड़ फोड़ किया जा रहा है। जैसे भी वहाँ पर ही तोड़ेगा, चौक में ही तोड़ेगा, अभी चौक में ही तोड़ेगा, देखा चुपचाप निकल जाएंगे, ये चौक में ही तोड़ेंगे। अभी कह रहे हैं जैसे भी जा रहा है, चौक में तोड़ेगा,
अब यहाँ पर तोड़ के चलेगा, चौक नहीं तोड़ेंगे, ये दिखना आपके सामने पैसे खाए हुए इन्होंने। एक बार दिखाने की आपको कोशिश करते हैं कि अभी भी जो बुलडोजर एक्शन है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सीधे तौर पर तमाम पुलिस की गाड़ियाँ भी आपको मौके पर यहाँ पर नजर आएंगी। और देखिए सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से आज बुधवार का दिन है। लोगों ने बताया कि आज छुट्टी का दिन है और उस दिन जो सारी दुकानों के आगे का हिस्से हैं वो तोड़े जा रहे हैं, कुछ नीचे के हिस्से तोड़े जा रहे हैं। इसके अलावा जो यहाँ के दुकानदार हैं उनका साफ तौर पर ये भी कहना है कि ना ही उन लोगों को कोई नोटिस दिया गया, ना ही कोई जानकारी दी गई। अगर उन लोगों को कोई नोटिस दिया जाता, कोई जानकारी दी जाती तो ये लोग ज़रूर उस हिस्से पर कार्रवाई करते, उस नोटिस को ध्यान में रखकर उस पर कार्रवाई करते। लेकिन लोगों को यही शिकायत है कि आज बुधवार का दिन है, अचानक से 2 बजे के आसपास MCD का बुलडोज़र आता है, बुलडोज़र चला दिया जाता है। तमाम दुकानदारों को तो अब तक इसकी जानकारी भी नहीं है। कल जब वो आएंगे वो आकर यहाँ पर देखेंगे कि उनकी तमाम जो दुकानों के आगे के हिस्से हैं वो टूटे हुए यहाँ पर नज़र आएंगे। पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, MCD के बुलडोज़र को लेकर आपकी क्या राय है? लगातार इस तरीके से MCD का जो बुलडोज़र एक्शन दिल्ली में देखने को मिल रहा है उसको लेकर आपकी क्या राय है? बिना नोटिस के इन लोगों की दुकानों को इस तरीके से तोड़ा जा रहा है उसको लेकर आपकी क्या राय है? तमाम लोगों का कहना है कि MCD अपनी मनमानी करती नजर आ रही है, उसको लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन जगजीत सिंह के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।